दिल्ली पर जल रहा है रणबीर का दिल। दिल में है ईशानी लेकिन सगाई की अंगूठी चेताली को पहना रहा है। सामने है चेताली लेकिन दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईशानी का नाम है। इसीलिए तो अपनी सगाई बीच में छोड़कर ईशानी के पीछे पीछे चला गया। वीर चाहता है कि वो ईशानी से शादी करे लेकिन वो नहीं कर सकता और वो ये चाहता है कि चिराग उसकी जिंदगी से चला जाए, ईशानी की जिंदगी से। बट कितने भी पैदरे अपना ले बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सो यहाँ पर भी वो सैड है एंगेजमेंट करते वक्त, क्योंकि ईशानी ने व्रत रखा है चिराग के लिए, तो उसको थोड़ा सा दुख होता है और वो बेहोश भी हो जाती है। वैसे सगाई से रणवीर जितने भी परेशान हो लेकिन उनकी मम्मी तो बावरी हुई जा रही है, खुशी के मारे न जाने क्या बड़बड़ा रही है। He's my superman. He's shitting in life now. He's become so rich. I'm happy giving blessings. Me and his Bapu. Very proud of him. And he makes her upcoming wife also very proud. Upcoming. And he's very dashboard. और मम्मी जी को ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स उनकी होने वाली बहू रानी चैताली सिखा रही है। सो मॉम हाउ यू फीलिंग टुडे? फीलिंग हट हट हट। योर इकलौता सन इज गेटिंग मैरिड, सो व्हाट डू हैव टू से अबाउट दिस? इकलौता सन, एज आई सेड, सुपरमैन, तो हाँ शक्तिमैन, तो उसको सुपर वुमन ही मिलेगी ने, तो यू आर अ सुपर वुमन। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड। भाई होने वाली बहुरानी ने मम्मी जी को तो एकदम सेट कर दिया है, लेकिन फिर भी देखना ये है कि रणवीर की ये सगाई शादी तक पहुंचती है या नहीं।